हम तो अपन गलती का पश्चातापी जूता से मार के करते हैं। सारा विद्यार्थी पगला गया है, सब मास्टर सब पगला गया है। अब कहिएगा कि अब पगला काहे गया है। इस 2019 के इलेक्शन से जस्ट एक महीना पहले मार्च 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई, 90,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली गई। लोगों को लगा कि ये वैकेंसी उनके भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य के लिए नहीं था, ये इसलिए मार्च में निकाला गया था क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन थे और इलेक्शन हो भी गया, 55 करोड़ लोग वोट भी दिए। अप्रैल में इलेक्शन चालू हुआ, मई में रिजल्ट आ गया, प्रधानमंत्री लोग बन गए, लोग सांसद बन के घुस गए, लोग संसद भवन के अंदर दिल्ली एकदम बढ़िया से ऐश से जी रहे हैं। लेकिन उसी वैकेंसी में इस 90,000 पोस्ट के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अब रेलवे कह रही है कि हमारे पास वेंडर नहीं है, हमारे पास एग्जाम लेने की क्षमता नहीं है 3 करोड़ का, और उन 3 करोड़ लोगों ने 500 रुपए दिया था, 500 रुपए फीस ली, बोले 400 वापस कर देंगे। अबे उधार ले रहे हो बच्चों से, शर्म नहीं आती तुम्हें? सरकार से मांगो ना कि 400 ले रहे तुमसे वापस कर देंगे, बताओ मुझे दोगे तुम 500 रुपए उधार? मैं भी दे दूंगा 6 महीने बाद, मजाक बना के रख दिया है। पूरा देश में अब बवाल होने वाला है, अगर सही टाइम से एग्जाम नहीं लीजिएगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब आपके मन की बात नहीं होगी हमेशा, ये जनता के भी मन की बात होनी चाहिए। यहाँ पर आप फॉर्म निकलवाते हैं करोड़ों करोड़ विद्यार्थी से, 1,000-1,000 रुपया 500-500 रुपया ले के आप उनका फॉर्म भरवाते हैं, और जब फॉर्म भरा जाता है उसके बाद आप अपने कान में तेल डाल के सूत जाते हैं, और फिर जब आप कुछ व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो बेशरम की तरह आप बोलते हैं कि ठीक है सबका हम पैसा लौटा देंगे। अरे क्या लौटाइएगा मर्दे आप पैसा, 2 साल के बाद आपको होश आता है कि हमको पैसा लौटाना है? 2 साल जो आदमी जो अपने आंख में सपना लेके चल रहा है, उसका बाप जो है बूढ़ा बाप को उसका पेंशन खत्म हो रहा है, यार उसको बहन की शादी करनी है, उसकी माँ बीमार है, बहुत सारी चीजें हैं यार, लोन ले लेके यहाँ पे लोग खेती करता है और उस खेती से अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है, और उसके साथ आप बोलते हैं कि हम 2 साल के बाद पैसा उसको लौटाएंगे। जी चलिए पैसा का बात भी छोड़ दीजिए सर, नौकरी का, सर आप नौकरी देना न देना तो अलग चीज है, आप तो सर ढंग से एग्जाम तक नहीं ले पा रहे हैं जी। किसी का प्रीलिम्स लिए बस हो गया छोड़ दिए, किसी का मेंस लिए बस हो गया छोड़ दिए, किसी का वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। यू करते रहे, पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, कितना नौकरी देगा सरकार भाई? पॉपुलेशन बुड्ढों का थोड़ा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है जवान लोगों का। हमारे पास पॉपुलेशन नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ रहे। पहले घर में एक आदमी कमाने वाला था, आज घर में 5 आदमी जवान कमाने वाले हैं, लेकिन वो 5 के 5 घर में बैठे खाली। अगर वो आदमी अगर एक एक आदमी 50,000-50,000 रुपए कमा के लाएगा तो 2,50,000 रुपए महीने घर में आएगा। आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो, आपने छोटे मोटे बेरोजगारों के सारे धंधे खत्म करवा दिए, उल्टी सीधी पॉलिसी ला के कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? तुम लोग हम पे निर्भर हो, सरकार हम पे निर्भर है और हम आत्मनिर्भर बन जाएं। प्राइवेट नौकरी का पता नहीं, सरकारी नौकरी को तुम खाई गए, 5-5 साल में क्लियर हो रही, अरे 5 साल में भी क्लियर नहीं हो रहा, इस तरीके का हाल देख लो। लगा हमारा घर भी करकट का है, और फिर भी अकाउंट में 1,23,000 था, 1,00,000 रुपया डोनेट किए थे ताकि हमारे देश में खुशहाली आए और इस कोरोना वायरस से हमारा देश लड़े। ए भाई वो बच्चा के पैसा दिया हुआ है, जो हम पढ़ाते हैं ना, वो वीडियो देखता है ना, वो व्यू होता है, उसे पैसा आता है, वो पैसा हम आपको दिए थे, पाप लगेगा ना, तो तनी ध्यान दीजिए यहां पर। ए देखिए कहते हैं कथी कि स्थानीय खिलौने बनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाइए, खिलौना तो हम बनल है, जैसे मन होता है आप खेल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं लोग वही कर रहा है, अब हम कौन खिलौना बने? खिलौना तो जनता बन चुका है आप लोगों का, यह हमारे मोदी जी थे, आई हमारे नीतीश बाबू हैं, इनका चाल सुनिएगा, इनका चाल क्या है, अभी जब चुनाव आने वाला है तो बिहार पुलिस के बहाली निकाल देंगे, बिहार पुलिस के बहाली निकाल देंगे तो भारी संख्या में एग्जाम एगो करवा लेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे। अब एग्जाम दे के लड़का फसल है कि अगर नीतीश जी नहीं आते हैं तो फिर आगे रिजल्ट नहीं आएगा, कोई ना कोई खाली कूल बनने के लिए लिखते हैं कि यूथ 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 यूथ, यूथ के समस्या से कोई मतलब है नहीं है हा? भाई हमारे देश का जो युवा है वो भी पागल है, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें मंदिर बना के दे दिया और तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए? अयोध्या में मंदिर बन गया, उसका पूजन हो गया, और इससे बड़ा मुद्दा और क्या है? अब तुम्हें जॉब भी चाहिए, तुम्हें जॉब दिला दी तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये घृणा कौन फैलाएगा? तुम्हें जॉब दिला दी तो जात पात के नाम पर दंगे कौन करवाएगा? इनकी जो आईटी सेल या जो भी है, मतलब उसकी झूठी खबरें कौन फैलाएगा? अगर युवा को जॉब दिला दी, देश को एक विकास की राह पर ले गए, तो है जो लोग सरकार के खिलाफ कुछ बोल देते हैं उनको एंटी नेशनल कौन बोलेगा फिर कि भाई पाकिस्तान जाओ? ये है हमारी सरकार की सोच। दिमाग उमाग सही है तुम लोगों का, पगलाए तो नहीं हो हैं?
मोदी जी से मांग करोगे, सरकार से मांग करोगे? तुमको पता नहीं है कि कहां रहते हो, देशद्रोही घोषित हो जाओगे। यहां पर सरकार से तुम कुछ मांग नहीं सकते, बस चुपचाप रहो, रोजगार चाहिए तुमको। दिमाग उमाग सही नहीं है, पकौड़ा बनाओ, रोजगार नहीं है, गोलगप्पा का दुकान खोल दो, ठीक है, रोड पे खड़ा हो जाओ, जूता सियो, रोजगार नहीं है, सबका दिमाग खराब हो गया है। 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए, यह चेतावनी है हमारी सरकार को, चाहे आप कुछ भी करना पड़े, 5 दिन के अंदर आप रिजल्ट दो। क्यों नहीं दे रहे? बना नहीं रिजल्ट आपसे है? जब नहीं बताता, जब आप पेपर का नोटिफिकेशन निकाल देते हमसे रिजल्ट नहीं बनेगा, मैगी समझ रहे थे तब 2 मिनट में बन जाएगी। एफर्ट लगाया कुछ? जैसे बच्चों से कहते हो एफर्ट लगाओ एफर्ट लगाओ, 3-3 साल बच्चा तैयारी करता है, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए यहां वहां फीस भरता है, आपको पता है कैसे गुजारा करता है? एक इस आस में मां बाप सोचते हैं चलो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। आपको नहीं पता कि शिक्षा का इस तरफ बढ़ना चाहिए था? चलिए मां बाप किसी का पढ़ाने का नहीं है, कम से कम बच्चा तो सिलेक्ट हो के घर की जिंदगी को बदले। आप वैकेंसी कम निकाल रहे हो, हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, बट अब आप जो निकाल रहे हो उसको भी टाइम पे नहीं दे रहे। एक तो मैं कम लोगों को खाना खिलाऊंगा, जितनों को खिलाऊंगा उनको भी टाइम पे नहीं दूंगा जब तक भूखे ना मर जाए। ये कौन सी बात हुई? या सुबह से स्टूडेंट का मैसेज आता है, बार बार फोन आता है, कभी कभी तो ऐसे मैसेज भी आते हैं, सर 200 रुपया पेटीएम कर दो, 1000 रुपए सर डाल दो, कोर्स फ्री में दे दो, सर पढ़ना यहां अटके हुए हैं, पिताजी की जॉब चली गई, सर कोई टाइपिस्ट की जॉब दे दो, कंटेंट राइटर की जॉब दे दो, मैं क्या करूं, क्या कर सकते हम? लोना बेच लो। अरे सर काजू के आटा का रोटी खाइए आप नेता लोग, और आधी पेट बिलबिलाते इस जनता को राष्ट्र और हिंदू खतरे में है का झुंझुना पकड़ा दीजिए। बड़ा सही बात। अरे कान खोलकर आप सुन लीजिए कि 3/4 देश का जनता आपके आने से पहले भी हिंदू था और आपके जाने के बाद भी हिंदू रहेगा। कहे कि धर्म कोई फुटबॉल नहीं है कि राह पे चलता हुआ कोई इंसान इसको किक मार के निकल जाए। अरे आपको बड़ा शिद्दत और बड़ा उम्मीद के साथ हम लोग लाए थे कि आप सिर्फ हिंदू सम्राट नहीं भारत सम्राट बनिएगा, युवाओं के दिल का सम्राट बनिएगा, युवाओं का दर्द समझिएगा। लेकिन जब सरकारी नौकरी के साथ साथ रेलवे स्टेशन तक बिकने लगे, जब 3 महीना में 18 करोड़ युवा अपना रोजगार खो दे, और जब विश्व में 4th नंबर पर अंबानी पहुंच जाए, तब लगता है सर कि ताल में कुछ न कुछ तो ताला जरूर है। टीवी पर मरने वाले एक्टर के लिए जस्टिस का शोर तो है, लेकिन साला भारत के कोने कोने में लाखों युवाओं के एक अदद नौकरी पाने का सपना बढ़ती उम्र के साथ जो हर रोज मर रहा है, उसके लिए किसी को घंटा फर्क पड़ता है, उसके लिए कहीं कोई शोर नहीं है। हमको पता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा सुनकर, एकदम परपरा के लग रहा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा सर? अरे क्या कीजिएगा, जब पेट में भूख और आंख में बेरोजगारी का जलालत हो ना, तो मुझसे भजन नहीं गाली ही निकलता है। अरे जिस युवा ने आपको इतना प्यार दिया, जो आपकी लंबी गाड़ी और बड़ी हुई दाढ़ी के सामने जो नतमस्तक हो गया, उसको आप पकौड़ा खिलौना बेचने का उससे भद्दा मजाक करते हैं आप? अरे आप तो गुजराती है ना सर, आपको तो पता होगा कि इस मुल्क में एक रेड़ी लगाने के लिए पुलिस वाले को कितना चंदा और हफ्ता देना पड़ता है, और तब आप बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। अरे रचाइए ढोंग, दिखाइए सपना। अरे आपसे पहले भी आया था वो तुगलक, जिसका सपना और नियत बहुत साफ था, लेकिन जमीन पर आते ही ना टै बोल जाता था। अब कमेंट सेक्शन में कुछ लोग हमको गाली देगा, एंटी नेशनल बोलेगा, देशद्रोही बोलेगा, बे बोलो। अगर साला अपने ही देश में, अपने आजाद मुल्क में, अपने प्रतिभा के दम पर अपने ही सरकार से सरकारी नौकरी मांगना गुनाह हो जाता है, एग्जाम का डेट का हिसाब मांगना गुनाह हो जाता है, तो हम हैं गुनहगार, और हम ऐसा गुनाह 1 नहीं 1000 बार करेंगे इस देश के युवाओं के लिए। तुम रहो अपने नेता का चाटने में और इस देश को महान बनाने में, हम युवाओं के साथ खड़े और युवाओं के साथ रहेंगे। जय बिहारी।